देश भर में स्वच्छता के नाम से जाना जाने वाला शहर इंदौर में इस वक्त एक पेड़ की चर्चा जोर पर है, क्योंकि इस पेड़ में लगने वाला फल छठ पूजा में पूजा जाता है और ये पेड़ इंदौर में मात्र एक ही है। दरअसल ये पेड़ नींबू का है, जिस पर फुटबॉल व तरबूज के आकार के नींबू लगते हैं। पूरे देश में स्वच्छता में अपनी अलग छाप छोड़ने वाला इंदौर लगातार अपनी कई विशेषताओं के तौर पर चर्चा में बना रहता है। एक पेड़ इंदौर के वीणा नगर में है। ये पेड़ करीब 20 साल पुराना बताया जा रहा है। इस पेड़ की खासियत यह है कि इस पेड़ पर लगने वाला नींबू का आकार फुटबॉल के साइज से भी बड़ा हो जाता है। सामान्यतः नींबू का साइज 2 से 3 इंच का होता है, लेकिन इसके फल का वजन ही 3 से 5 किलो का हो जाता है, जो शहर में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई लोग आते जाते इसकी वीडियो बनाते हैं और फोटो लेते हैं, इसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड भी करते हैं। ये यहाँ मिलता नहीं है एक्चुअली, तो ये हमारे बिहार का है, तो इसलिए ये यहाँ पे विचित्र देखा जाता है। जो चीज मिलती नहीं है, तो अगर है तो वो विचित्र हो जाती, अगर एक ही है तो बस ये वही है। कितने नींबू लगते हैं इसमें और कितना साइज हो जाता है? तकरीबन 50 नींबू लग जाते हैं एक बार में, और ये 2 किलो से 5 किलो तक हो जाता है। क्या महत्व है इसके फल की? ये हमारे यहाँ छठ पूजा में चढ़ाया जाता है, जैसे सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो ये वो पूजा के लिए रोपा जाता है हमारे। वो कितने सालों पुराना है ये पेड़? 20 साल पुराना। कैसे ये पेड़? मतलब पेड़ तुरंत बड़े नहीं होते, तो टेनियर उनको बड़े होने में लग जाते हैं, और टेनियर से ये फल हुआ। तो ये जैसे बिहार, आपने कहा कि ये बिहार में ही होता है, तो यहाँ कैसे? हाँ, तो ये हमारी दादी सास आई थी बिहार से, वो लेकर आई थी, एक नींबू लाई थी वो, उसमें कुछ बीज थे, तो उसको हमने रोपा था, तो ये पेड़। मेरा नाम संजू शर्मा है।